हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नेटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, इस तरह के रबड़ को तो आप पहचानते ही है ना। तो मैंने दो ही कलर के ले लिए, दो ही कलर के ले लिए। आज इन्हीं रबड़ से हम बहुत खूबसूरत आइटम बनाएंगे। थोड़ा इसको फैला लेते हैं, रेड वाले दोनों को फैला लेते हैं, लंबा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक। ऑरेंज वाले को भी कर लेते हैं हल्का हल्का। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये ऑरेंज वाला जो रबर है उसको रेड वाले के अंदर फंसा देंगे, इस तरह से बीच में कर देंगे। ये रेड वाले को थोड़ा और फैला लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसमें अच्छी तरह बैठ जाए। इस तरह से हम इसको कर लेंगे फ्रेंड्स, सेट कर लेंगे इसके अंदर। एक कर लिया, दूसरा भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये दूसरा रबड़ भी मैंने इसके अंदर सेट कर लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम एक रबड़ उठाएंगे, रेड के अंदर ऑरेंज वाला रबड़ डाला हुआ है मेरे, इसको अच्छे से सेट करके फ्रेंड्स मैं ये क्या करूँगी, नीचे से यूँ, नीचे से इस तरह से यूँ दबाते हुए, इस तरह से यूँ दबाते हुए सिलाई कर दूंगी फ्रेंड्स। ये मैंने सुई ले ली, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दबाते हुए मैं सिलाई कर लूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार इधर से कर लिया, फिर सुई इधर से डालेंगे, वापस इधर से दिख रहे ना फ्रेंड्स, इस तरह से इधर आगे सुई, वापस इधर करेंगे फ्रेंड्स। दो तीन बार सिल लेंगे इसको और टाइट कर लेंगे इस तरह से, फिर इधर से कर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से सुई डालेंगे। ये देखिए वापस इधर से सुई डालेंगे फ्रेंड्स, तो नीचे से तो थोड़ा पतला हो गया, ऊपर से इस तरह से ही थोड़ा चौड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरफ आ गई हमारी सुई, दोनों तरफ से ऐसा दिखता है। वापस मैं उधर ले जाऊंगी सुई को, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक बार और मैं कर देती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सिल लूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ ये पक्का करके मैं इसको धागे को कट कर दूंगा फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैं धागे को कट कर दूंगी फ्रेंड्स, ये धागा मैं पीछे यहाँ से ले जाके इस तरफ ले जाके मैं इसको कट कर लूंगी। तो इस तरह से इस शेप में हमें सिलाई करनी है, नीचे से दबाते हुए। ये भी ऐसे ही कर लूंगी, करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ये सिल लिए, ठीक है, इस तरह से दिखते हैं।
दोनों। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, दोनों एक तरह से सिल लिए नीचे से, यहाँ से यहाँ से। अब मैं इन दोनों को साथ साथ सिल दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा धागा इधर ही है, ये देखिए ये मेरा धागा, ये धागा मेरा इधर ही है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं इनको भी आपस में और सिल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकाला मैंने, ये देखिए, देख रहे फ्रेंड्स। अब वापस इधर से, वापस इधर से सुई डालते हुए ये देखिए फ्रेंड्स, इधर सुई डालते हुए वापस ले आऊंगे, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। दोनों को साथ साथ सिल लिया। हाँ फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और टाका दे लेते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आपकी इच्छा है, है ना। तो इन दोनों को मैंने यहाँ ज्वाइंट कर लिया फ्रेंड्स, और आप थोड़ा आइडिया लगा लिया होगा, आज हम रबर बैंड से बटरफ्लाई बना रहे तितली बालों में लगाने के लिए। बालों में लगाओ, किसी भी प्रोजेक्ट में लगाओ। अभी मैं अपन तितली बन के तैयार होती है, फिर मैं बताती हूँ। देखो शेप आ गई तितली की, है ना। अब हम पीछे की तरफ आ गए, यहाँ पीछे की तरफ आ गए। अच्छी तरह मैंने इन दोनों को जॉइंट कर लिया फ्रेंड्स। अब मैं ये रबड़ लगा लूँगी फ्रेंड्स, है ना, ये रबड़ लगा लूँगी बालों में लगाने के लिए। अभी तो हाल फिलहाल मैं ये बालों के लिए तितली वाला रबड़ बैंड तैयार कर रही हूँ। इसको और किस किस के प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसको तैयार करके दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए फ्रेंड्स, इस रबड़ को मैं यहाँ पूरा सिल के आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे सिलकर, इधर से भी कर लेंगे फ्रेंड्स ताकि ये खुले नहीं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। ये मैंने रबड़ लगा लिया है, ये सुई निकाल दी है, ठीक है। ये रबड़ का काम हो गया हमारा, रबड़ फिट हो गया इसमें एकदम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इस तितली को और सजाएंगे इसके हॉर्न लगा कर, एरियल, ठीक है। तो एरियल हम मोती से लगाएंगे, तो इसके लिए मैं वायर लेती हूँ और मोती लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बटरफ्लाई तो बिल्कुल तैयार हो गया बनकर, है ना। और पीछे मैंने ये रबड़ बैंड भी लगा दिया। अब मैं इसके एरियल बनाऊंगी हॉर्न, तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक वायर पर लिया सुई में, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से निकालूंगी फ्रेंड्स, साइड से निकालूंगी, साइड से निकाला मैंने सुई को, ठीक है। और इसमें मैंने ये मोती लिए फ्रेंड्स, ये मोती मैं इसमें पिरो लूंगी, छह मोती एक में, एक
दो तीन चार, चार पांच, ये छह मोती पिरोली है मेरे फ्रेंड्स, छह मोती पिरोली, ये निकालनी है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैंने छह मोती पिरोली फ्रेंड्स, देखिए ऊपर ध्यान दीजिए, इधर छह मोती पिरोने के बाद में है ना, ये एक मोती इधर सरका लूंगी और बाकी नीचे के जो पांच मोती है उसमें से चार मोतियों में से ये सुई वापस निकाल लूंगी मैं नीचे की ओर। अभी तो सुई मैं ऊपर की ओर ले गई, एक मोती नीचे छोड़ दिया, एक मोती ऊपर छोड़ दिया, चार में से मैंने वापस सुई को निकाल लिया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तितली के हॉर्न बन गए, एरियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से, अब इधर भी बना लूंगी मैं से बना के मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने छह पिरोए थे, इधर भी मैंने छह पिरो लिए। ठीक है, इस तरह, और एक मोती हटा दिया मैंने, और वापस अभी तो मैं ऊपर आई थी सुई को लेके, यहाँ से शुरू करके ऊपर आई थी, अभी चार मोतियों में से पांच है ना, उनमें से चार मोतियों में से मैं इस सुई को निकाल दूंगी, एक को यूँ छोड़ दूंगी पीछे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे देखिए दो हॉर्न बन के तैयार हो गए तितलियों के। ठीक है, वापस मैं यहाँ थोड़ा सा इसको पक्का कर दूंगी फ्रेंड्स, ये इस तरह से घूमेगी, ये इस तरह से घूमेगी, यहाँ ये मैं इसको पक्का कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिखेगी तितलियाँ हमारी, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बनी है। थोड़ा और पक्का कर देते हैं पीछे की ओर सुई ले जाकर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैं पक्का करके फाइनल लुक बताती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो और बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं, और मेरे वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गए, बताती हूँ फाइनल लुक। देखिए हमारी बटरफ्लाई बन के तैयार हो गई, देखिए फ्रेंड्स है ना, इसके हॉर्न बना लिए मैंने मोतियों से, एक इधर और पीछे मैंने ये रबड़ बैंड लगा दिया है, कितनी सुंदर बनी है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइए, और अब की नवरात्र में बच्चों को कंवारी कन्याएं जो जिनको अपन खाना खिलाते हैं, 9 दिन बाद अष्टमी या नवमी को, उनको गिफ्ट कीजिए, अच्छा लगेगा, सुंदर बनी ना फ्रेंड्स। और इसका यूज हम बच्चों के फ्रॉक में, बच्चों के हेयर बैंड में है ना, रबर बैंड में तो मैंने बता दिया, हेयर बैंड में भी लगा सकते हैं, बच्चों को कोई फ्रॉक फ्रॉक हो तो उसमें भी हूँ, ये बिना रबर बैंड हटाकर इसको अटैच कर सकते हैं, वह सुंदर बनी है, एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।